ये छाछ है, ये है पापड़। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम आपको लेकर गए करणी माता के मंदिर में, और उसके बाद अब हम आ चुके हैं लेक पिचोला में बोटिंग करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मजा लीजिए लेक पिचोला में बोटिंग का, और उसके बाद राजस्थानी थाली का। बस अभी आ गए हैं बोटिंग के लिए, और लास्ट बोट थी है जिसकी हमें टिकट मिली है। वैसे हमें चाहिए तो दूसरी बोट थी, बट अभी वो है नहीं अवेलेबल। तो ये 30 सीटर बोट है, इसमें हमने टिकट बुक करी है, अब आने वाली है। इसमें बैठते हैं और चलते हैं, देखते हैं, बोटिंग का एक्सपीरियंस भी ले ही लेते हैं, तो ये रह जाता है अहमदाबाद की तरह। यहाँ से हमें जाना है बोट के लिए, यहाँ पे खुली जगह है, और ये है लेक पिचोला। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस, इसको आज हम नहीं घूम पाए, अभी देखते हैं इसके बाद टाइम मिलाएगा तो जाएंगे इसमें, अदरवाइज़ कल देखते हैं फिर इसको। बट अभी तो मज़ा ले रहे हैं थोड़ा सा लेक का और बोटिंग का। और सिटी पैलेस जो है रात में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सामने जो लाइट चल रही है आप देख रहे हैं, ये है ताज होटल। और बाकी हमने तो सोचा था कि यहाँ पर हम लोग शाम के टाइम आएंगे तो ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखेगा, बट रात में तो इसकी चमक ही कुछ और है, और रात का भी अपना अलग एक्सपीरियंस है। ये है सामने लेक पिचोला होटल। सामने लीला पैलेस। और ये है सामने उदय विलास। और ये जो आप सामने लाइट जलती हुई देख रहे हैं, ये है सज्जनगढ़ फोर्ट, जो आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त हवा में है, पर ये पहाड़ पे है। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये है जग मंदिर, पर इस वक्त यहाँ पर शादी हो रही है, और इसकी जो टिकट है आपको लेनी पड़ती है सिटी पैलेस से ही। सिटी पैलेस से अगर आप बोटिंग करते हो तो वहाँ पे जो बोटिंग के प्राइस है थोड़े से ज़्यादा हैं, पर वो यहाँ पर भी आपको घुमाते हैं। हमने ली है लेक पिचोला से, इस वजह से हमें आ नहीं जा सकते, और आज तो ये वैसे भी पूरा बुक है शादी की वजह से। बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करके, और बोटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। और तुम लोगों को कैसा लगा? मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोटिंग का जो रात का एक्सपीरियंस था उसमें मजा आया, दिन में मजा नहीं आता जो लाइटिंग अच्छा हुआ कि हम क्या कहते हैं करणी माता के मंदिर लेट पहुंचे, वहां 2 घंटा हमने टाइम स्पेंड करा, और फिर यहां आके जो लास्ट बोट हमें मिली वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने दिया बहुत बढ़िया। मजा ना दिन में, अगर हम पहले चले जाते तो बेकार था वो सीन और व्यू का मजा नहीं आता। आज तो यार स्पेशली शादी है, चलो जो होता अच्छे के लिए होता। हम तो ये सोच रहे थे कि बोटिंग मिलेगी नहीं करने को, जैसे हमारी है ना अहमदाबाद में भी रह गई थी वही तो मैंने सोचा कि यहाँ भी रह जाएगी भी, और बोटिंग के बिना तो बेकार है यहाँ पे आना। फिर तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आओ बोटिंग कर लो सबसे पहले यहाँ पर बाद के ऊपर छोड़ोगे तो फिर हमारी तरह ऐसे ही मतलब एंड टाइम पर ही कर पाओगे। और हम भी बस टाइम पर आ ही गए, नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाते तो वो भी बोट चली जाती, वो जो बोट थी लास्ट बोट थी। और जो बोट चलाने वाले ड्राइवर थे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें थोड़ा सा लंबा चक्कर कटवाया, वैसे नॉर्मली उतना नहीं होता है। उन्होंने सारी जगह हमें बोट से ही दिखा दी, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े होटल हैं पीछे, सारी चीज़ें उन्होंने हमें बोट से ही घुमा दी। और
रात का अपना इसका अलग मज़ा है, दिन का अलग मज़ा है और रात का अलग। आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसका वो बहुत अल्टीमेट था, बहुत मज़ा आया हम सबको और बोट में भी सबको बहुत मज़ा आया। तो बोट ने हमें यहीं से उतारा था और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अब चलना नहीं पड़ेगा बिकॉज़ हमारी जो कार है बिल्कुल यहीं पर खड़ी हुई है पीछे। और बस चलते हैं फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत देर से खाया नहीं है, ऊपर मंदिर में भी काफ़ी टाइम लग गया था करणी माता के मंदिर में। तो अब चलते हैं फटाफट से, देखते हैं कुछ खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाकी कल तो हम कहीं और के लिए निकलेंगे, आज हमारा लास्ट डे है उदयपुर में, इसके बाद देखते हैं फिर कब आना होगा। अब थोड़े दिनों से जब से हम रिजॉर्ट में रुके हुए हैं तो हमारा मन हो रहा था कि हम लोग बैडमिंटन खेले वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पार्क भी अच्छा खासा बड़ा है बट हम ले नहीं पा रहे थे। तो हमें अभी जाते जाते स्पोर्ट्स की पीछे दुकान दिखाई दी तो हमने सोचा कि बैडमिंटन और शटल जो है वो ले ली जाए और अब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे खेल के। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा सामान खेलने का ले लिया जाए तो मज़ा आता रहे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे सब लोग खेल के। तो अभी वो ले रहे हैं, सीधे फिर चलते हैं अपने रिसॉर्ट। ले लिए हैं ये बैडमिंटन के रैकेट कॉस्को के, क्योंकि यही सही है अपने घर पे भी काम आ जाएंगे। और चार रैकेट ले लिए हैं क्योंकि हम चार लोग हैं तो सबके पास एक एक रैकेट। और बाकी एक ये वुडन चेस बोर्ड भी पसंद आ गया था तो ये भी ले लिया, सही रेट में मिल रहा था, काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था, किस्मत में लिखा था इधर से मिलना। तो जब हमने वो खाई थी थाली वहाँ पर जो फेस्टिवल चल रहा है हमारे रिसॉर्ट के पास, क्या नाम है उसका, शिल्पग्राम, हाँ शिल्पग्राम फेस्टिवल, उसमें हमने थाली खाई, पसंद आई काफ़ी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और राजस्थानी खाना जो है जो ट्राई करा जाए उसको। तो अभी देखिए एक जगह जहाँ पर पर पर्सन के हिसाब से मिल रहा है खाना, जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो खाना है वो, चाप वगैरह हम दिल्ली में भी काफी खाते रहते हैं। हाँ चाप वगैरह हमने वहाँ भी खाई थी जयपुर में भी खाई थी। हाँ जयपुर में चाप खाई थी और जो मतलब खाते हैं हम दिल्ली में वही सब खाया था उधर, पिज़्ज़ा वगैरह मोमोज। अभी काफ़ी जगह है पेट में, सबको बहुत भूख लगी हुई है तो चलते हैं और वहीं दावत करेंगे आज। हैं आज वहीं चलते, आज लास्ट डे है उदयपुर में, जी लो कर लो मजे सब। अभी हम यहाँ पर आए हैं कृष्णा रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो राजस्थान का खाना है वो हम ट्राई करने के लिए आए थे। और इसका जो प्राइस है 350 रुपये पर पर्सन का है और यहाँ पर जो है पत्तल में खाना खिलाया जाता है, जैसे आप बढ़ सकते हैं इस तरीके से, मिक्स दाल बेसन का ये बाटी है। घी भाई साहब, प्याज ये तो प्याज ये तो जानता हो है, ये तो फेवरेट है। ये चूरमा, ये पापड़ हो गए, छाछ आ गई, ये छाछ हो गई, ये छाछ है, ये है पापड़, और दाल बाटी का खाने का जो बेस्ट तरीका है दाल, हाँ इसकी सब्जी में चटनी लहसुन की कैप्सिकम प्याज सब मिलाना पड़ेगा और दाल बाटी से दाल वगैरह सब जी। ओके आप ही के आ चुके हैं सब, और जो खाना था वो बहुत टेस्टी था और थोड़ा सा हैवी भी था क्योंकि उसमें घी वगैरह सारी चीज़ें थी, पर
खाना वैसे स्वाद में बहुत अच्छा था, एक नंबर। और जो राजस्थानी खाना होता है वो अगर आपको खाना है तो आप यहीं पर आ सकते हो। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना था सही में, दो बार डकार आ गई। इतना बढ़िया खाना था। बटर मिल्क अच्छा था? बटर मिल्क तो अच्छा बहुत था, बहुत अच्छा। बटर मिल्क तो मैंने अभी दो बार लिया है। हर एक आइटम बढ़िया थी, किसी को मना नहीं कर सकता, सारी बढ़िया। तो उसमें रोटी नहीं थी पर बाटी थी, और इसमें जरूरत थी भी नहीं। हाँ, बाटी थी और दाल थी, चूरमा बहुत, गट्टे की सब्जी थी, चूरमा था, बटर मिल्क और चटनियाँ थी, अचार था, सैलेड, हाँ, पापड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो इसका प्राइस था वो 350 रुपये पर पर्सन का था, मतलब हमारे हो गए 1400 रुपये। ठीक है, 350, हाँ, है ना, हाँ, ट्रेडिशनल खाना, और स्वाद भी आ गया, और पेट तो मतलब ऊपर तक भर गया। 3-4 बार तो मुझे खाते लगार आने लग गई। चलो अब चलते हैं यार सीधा रिजॉर्ट, थोड़ा खेलते कूदते हजम करते हैं खाना। गाइस अभी आ गए हैं वापस अपने होटल में, और जो हमने रास्ते में से बैडमिंटन खरीदे थे उनका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, थकान दूर हो जाएगी और मज़ा भी आएगा। तो अभी काफ़ी खेलने के बाद और जो हमारी बॉडी है वो भी गर्म हो गई है, और गर्मी भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अभी चलते हैं, सोने का टाइम है, सोते हैं और कल निकलते हैं फिर नई जगह घूमने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और चैनल के सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।